शिवपुरी मध्य प्रदेश में नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सातवें दिन भी जारी है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शिवपुरी जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। गुरुवार को जिला मुख्यालय पर हड़ताली कर्मचारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम अपने खून से पत्र लिखकर सरकार से नियमितीकरण की मांग की। इसके साथ ही हड़ताली कर्मचारियों ने यहां पर कर्मचारियों ने शिवपुरी विधायक व मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के कार्यालय पहुंचकर नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही साथ कर्मचारियों ने खून से लिखा एक पत्र कार्यवाले प्रभारी को सौंपा। इस मौके पर संविदा कर्मचारियों ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जन्म से लेकर मृत्यु तक स्वास्थ्य सेवाओं को आम जन तक पहुंचाने का कार्य संविदा स्वास्थ्यकर्मी बड़े लगन के साथ कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें नियमितीकरण के साथ महंगाई भत्ता, मेडिकल व अन्य लाभ नहीं दे रही है जो अन्य कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बताया कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाम है? यशपाल दांगी। आज आपने जो खून से अपने कत लिखे हुए मंत्री को, क्या ऐसा लगा कि अब स्याही को ना लिखते हुए आप अपने खूनों से लिखा हुआ? देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। कई बार स्याही से लिख दिया, आवेदन दे दिए, निवेदन कर लिए, उसके बाद भी आज तक कोई हमारी मांग नहीं मानी गई। अन्य विभागों में आज 90% दिया जा रहा है नियमित वेतन का, न्यूनतम वेतन का 90% दिया जा रहा है। आज स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को नियमित तो छोड़िए, 90% आज तक नहीं दिया गया। नियमितीकरण की बात तो बहुत दूर की बात है। आज क्या आश्वासन आप लोगों को दिया गया? देखो, हमको जब से हम काम कर रहे हैं संविदा में, तब से हमको आश्वासन के अलावा आज तक कुछ मिला ही नहीं है। सिर्फ मिलता है तो आश्वासन मिलता है, हर बार हमको बेवकूफ बनाया दिया जाता है। इतनी हड़तालें कर ली, 42 दिन की हड़ताल हो गई, 20 दिन की हड़ताल कर ली, सब हड़ताल करने के बाद भी आज तक हमको कोई रिजल्ट नहीं मिला है। आज सभी लोग संविदा कर्मचारी आज 90% के लिए, नियमितीकरण के लिए आज खड़े हुए हैं। कोरोना काल में सब लोगों ने इतनी मेहनत की, जब सब लोग घरों से निकलना बंद हो गया था, जब कोई कर्मचारी घर से बाहर निकलता था और उसने सेवा की है, लोगों की जान बचाई है, आज क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता कि संविदा कर्मचारी के कम से कम 90% दिया जाए? क्या संविदा कर्मचारी का परिवार नहीं है क्या? 12,000 रुपया आप बताइए कैसे उसका घर का खर्चा चलेगा? एक संविदा कर्मचारी इतनी इस महंगाई के दौर में कैसे अपने घर वालों का पेट पालेगा? स्कूल की फीस, राशन, बहुत सारी चीजें रहती है, क्या 12,000 रुपये में उसका पालन पोषण हो जाएगा एक संविदा कर्मचारी का? जैसे आपने पहले स्याही से लेगा, फिर आपने जैसे खून से भी लेगा, अगर आपकी फिर मांग पूरी नहीं होती फिर क्या करेंगे? देखो, हम तो जान देने के लिए भी तैयार हैं, जान दी है और आज भी जान देने के लिए तैयार हैं। जब तक संविदा कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, जो हमारी मांग है नियमितीकरण, न्यूनतम वेतन का 90%, तब तक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कहीं नहीं हटेंगे। चाहे इसके लिए हमारी जॉब चली जाए, हम बेरोजगार हो जाए, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से बिल्कुल डगमगा ही नहीं।